कोई भी उसमें प्रेम नहीं है और इच्छा भी उसमें कुछ है नहीं और उसमें चैतन्य शक्ति भी कुछ है नहीं, तो वैसे देता है हमारे साधना भी वैसे ही रहती है। तो जितने भी दिन हम ऐसे करते रहेंगे कुछ उससे लाभ हमको ज्यादा नहीं मिलेगा और हमारी प्रगति भी अच्छी नहीं होगी जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति प्रेम करना अति आवश्यक है, यही हमें साधना में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। ये अगर ठीक है, हमारे अगर भगवान प्रति प्रेम हो गया तो बहुत जल्दी जल्दी हमको कुछ करने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि जिसके प्रति हमारा प्रेम है उसके प्रति हम कुछ करना चाहते हैं, उसके प्रति हमारा भाव होता है और वो हमें अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए कुछ करने के लिए हमें भी आनंद मिलता है। तो ये जो जैसा है ये जो स्वाभाविक है, इसलिए साधना में भी वैसे ही होता है। अगर हमारा प्रेम नहीं है, हम साधना में कुछ ऐसा ज्यादा करना है या तो हमारा लगन उसमें नहीं होता है, हमारा आग्रह भी उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए साधना भी हमारी धीरे धीरे चलती है। अगर साधना में जल्दी बढ़ना है, आगे बढ़ना है और साधना में अगर भगवान तक अगर हम पहुँचना है, ये भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, ये अत्यावश्यक है, इसको समझना चाहिए। तो भगवान के प्रति प्रेम होने से क्या होता है इससे हमें पता चलता है। दूसरी बात है, बिना प्रेम से भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ प्रेम ही चाहिए, भगवान और कुछ नहीं चाहते। वो हमारे संत महात्मा लोग बोलते हैं भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान को कभी भूख नहीं होती है, तो इसलिए भगवान के भूखा प्रेम के लिए वो भूखे नहीं है। हम सोचते हैं कि भगवान प्रेम के भूखे होंगे, क्योंकि प्रेम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम करके उसे बुलाने से ही भगवान आते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, इसलिए बात है। लेकिन इसका मतलब ये है कि भगवान के प्रति प्रेम करना सबसे ऊपर में बहुत आवश्यक है। प्रेम करने से ही तो हम कैसे करेंगे उसको, तो हमको समझाने के लिए या तो प्रेम की कितनी महिमा है सब हमको बोलने के लिए, भगवान प्रेम के भूखे हैं, इसलिए आप भोग ये प्रेम करने से भगवान के प्रेम में जो भूख भी है वो चला जाएगा। ऐसा नहीं, भगवान प्रेम के भी भूखे हैं, किसी के भूखे नहीं है, भगवान का भी भूख उनको नहीं लगती है और भगवान हमेशा तृप्त रहते हैं, वो उनका कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी की। लेकिन प्रेम करने से तो ऐसे जो बोलते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान प्रति प्रेम चाहिए, ये बोलते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ही ले जो जान प्यारा। अगर कुछ आप विचार करना चाहते हैं, अगर कुछ जानना चाहते हैं, आपके मन में कुछ इच्छा है क्या है भगवान के बारे में, कुछ भगवान को प्राप्त करना कैसे है आप जान लीजिए, ये है भगवान को सिर्फ प्रेम ही चाहिए, बिना प्रेम से और बाकी कुछ नहीं। राम है केवल प्रेम प्यारा, भगवान को प्रेम ही प्यारा लगता है, प्रेम को सबसे अच्छा भगवान मानते हैं और प्रेम के द्वारा ही भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट।